हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म्स की जानकारी में। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे हिचकी क्यों आती है और इसके इलाज के बारे में। तो हिचकी एक प्रकार से डायफ्रागम के मसल्स में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है, जिसे हम अनैच्छिक संकुचन कहते हैं। डायफ्रागम वह बॉडी पार्ट है जो लंग्स के जस्ट नीचे होता है और श्वास लेने में मदद करता है। इस डायफ्रागम के इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन के कारण वोकल कॉर्ड बार बार बंद हो जाती है जो गले में रहती है, और इस वोकल कॉर्ड के बंद होने पर हिक की आवाज आती है, जिसे हम हिचकी कहते हैं। वैसे देखे जाए तो हिचकी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, फिर भी 48 घंटे से ज्यादा समय में यह रहे तो आपके डायफ्रागम में दर्द हो सकता है। अगर आपने घरेलू नुस्खे अपना लिए और ज्यादा फायदा नहीं हुआ है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि डॉक्टर द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। तो डॉक्टर द्वारा मुख्य रूप से दो या तीन तरह की दवाई दी जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन टैबलेट, जिसको आप बैक्लोफेन टैबलेट के नाम से जानते हैं। यह टैबलेट लेने पर डायफ्रागम के मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वह रुक जाता है। तो इस तरह से यह हिचकी रोकने में मदद करता है। साथ ही GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब पेट में गैस बनने के कारण, पेट में क्लॉटिंग होने के कारण हिचकी शुरू हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए डॉक्टर के द्वारा पेंटोप्रोजोल तथा डोमपिरिडोन टैबलेट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। साथ ही एक एंटासिड सिरप है जो कि जेलोसिल नाम से आप जानते होंगे, वह भी दी जाती है, जिससे कि आपके पेट में जो एसिड है वह न्यूट्रलाइज हो जाए और हिचकी रुक जाए। तो इस तरह से यह सभी दवाइयां डॉक्टर द्वारा दी जाती है हिचकी को रोकने के लिए। तो दोस्तों यह थी जानकारी हिचकी के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।